थकने के बाद कहते हैं कन्हैया मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे दरबार में आने का रास्ता बहुत दुष्कर है, पहुंचेगा वही जिसे कन्हैया पकड़ेगा। और जैसे ये दर्द की आवाज कन्हैया के कानों में गूंजी हो, मानो भगवान मथुरा से, मानो भगवान द्वारिका से दौड़ते दौड़ते आए हों और अपने गोद में उठा लियो सुदामा जी का, ऐसा भाव कहते हैं कि रातों रात जब तक सुदामा जी नींद में रहते तब तक भगवान ने उन्हें उठाया और सीधे द्वारिका में सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली, अरे बहुत देर तक सो गया मैं तो, अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, इधर से जाना है। सुदामा जी भ्रमित हैं, सोया कहाँ था, उठ कहाँ रहा हूँ, ए भैया बताओ ना, मुझे द्वारिका जाना है। जो लोग मिलते उनसे सुदामा जी रास्ता पूछ रहे हैं, भैया बताओ ना मुझे द्वारिका जाना है। एक आदमी रुका, कहा भैया द्वारिका जाना नहीं है, आप द्वारिका में ही हैं। सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिका में हूं। उसने कहा हाँ आप द्वारिका में हैं, लाला मुझे भगवान का पता बता दे, कन्हैया कहाँ रहता है। जैसे उसने सुनी, कहा उसको कन्हैया न कहना, अब वो महाराजाधिराज है, उनका नाम आदर से लिया जाता है, ऐसे कन्हैया कन्हैया नहीं कहते। भैया वो मेरे बचपन को यार है, वो मेरे बचपन को यार है, बता दे उसका पता, मुझे जाना है। उसने कहा जितनी बिल्डिंगें दिख रही हैं, जितने मकान दिख रहे हैं, जितने महल दिख रहे हैं, सबका मालिक कन्हैया ही तो है। सुदामा जी से कहा कि आगे जाओगे रुक्मणी महल पड़ेगा और रुक्मणी महल में ही आज कन्हैया तुमको मिल जाएंगे। सुदामा जी महल की ओर चले। यद्यपि भागवत जी में बाबूजी वर्णन है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक पहुंचे, यानी कन्हैया के पास तक, लेकिन कई काव्य रचनाओं में ऐसा आता है कि कन्हैया ने कन्हैया के द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए। कवियों के भाव में आज कन्हैया जी को द्वारपालों ने कहा रुको कहां जाते हो, और जैसे ही पूछा कहां जाते हो, कहा भैया मुझे तो कन्हैया से मिलना है, कौन हो तुम, मैं उनके बचपन का मित्र सुदामा हूं। अच्छा यही इंतजार करो, आज जैसा ही सुदामा जी ने कहा बचपन का मित्र हूं, द्वारपाल चकित हो गए। भाई जो बड़े घर वाला मित्र होता है उसका मित्र तो बड़े घर वाला ही होता है, गरीब को कौन मित्र बनाता है। द्वारपालों ने कहा होगा कोई, इसका पहनावा ही नहीं लगता कि ये मित्र हो सकता है, फिर भी मेरा कार्य है, कन्हैया के पास गया। द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक कोई गरीब आया है। भगवान बोले कौन है। आज द्वारपाल ने सुदामा जी का स्वरूप बताया, शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिल की दोपटी अरु पाही उपा नहीं थी नहीं समा, द्वारे खड़ो तीजे दुर्बल देखी रहो चकी सो बसुधाय भी रामा, चतु दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन किया कि शीश पगान झगातन में, शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, धोती फटी सिलटी दुपटी,
एक धोती है वो भी फटी हुई है, दुपट करके सुदामा जी ने उस गरीब ने अपने शरीर को ढांकने का काम किया है। और जैसे ही अंतिम शब्द उसने कहा, अपना नाम सुदामा बता रहा है, भगवान को मानो करंट लग गया हो, भगवान अपने सिंहासन को छोड़ दिए और आज भगवान का पीताम्बर इधर, आहा भगवान की पादुका इधर, भगवान ने किसी का ध्यान नहीं दिया, सीधे सिंहासन से उतरे और दौड़ पड़े, दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा को अपनी अंक में भर लिया। आहा महाराज परीक्षित आज ऐसी परिस्थिति में है भगवान कि द्वारपाल चिंता में आ गए कि अरे ये कन्हैया किस गरीब को अपने गोद में ले रहा है, कितने गंदे कपड़े पहना है वो, कहां एक राजा कहां एक रंक। द्वारपाल सोचते हैं ये कौन है जिसको कन्हैया इतने प्रेम से अपनी बाजुओं में भर लेता है। सुदामा जी को आज अपनी बाहों में भरा भगवान ने और लेके आए अपना जो सिंहासन था द्वारिका का, भगवान ने आज उस सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कराया। भगवान